क्यों थारा रिपिया लगे? रिपिया ना लगो बने रिपिया क्यों उधर? बापा की खीर खोले हो के टैक्सी स्टैंड खोल के थी गाड़ी ले रहे एक और सेकंड पड़े हैं मैं दियो को नहीं भी ये को नहीं क्यों लिया है ए थारा है क्या 100 रुपया तो मैं तक लिया अरे 100 कौन 50 है ये मेरे है मेरे ही पड़ गया हाँ तो गाइज वो लोग देखने आ गया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया और वो लोग पूरा देखियो था ने माँ कसम बहुत हंसी आवागो बहुत ही फनी और बहुत ही मजाक किया वो लोग है बाई चांस बने डो राम राम भाई सब ने उमाउस की सारा नून प्रणाम उम्मीद है सारा तकड़ा होगा नालिया दोलिया बैठा थाई चोपड़ा और माँ ने भी ठाको नहीं कि मेरी नई गाड़ी कुण सी आन लाग रही है नाम ना ले ली बस नाम नाम पता है बट यूं ठाको नहीं गाड़ी कुण सी आन लाग रही है तो माँ को भी भड़क होगी कि के लिए तू खर्चो कर किसी का डी आई माँ के था चल चार नाम दियो चार हम तू बताई चार भी था ना दियो भाई चार हम थे बताइए कौन सी आओगी ठीक है फॉर्चुनर एर बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज और ओडी 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 को ना है ओडी के डांगर नहीं रहा ओडी के डांगर नहीं रहा सुन ली भाई ओडी के डांगर नहीं रहा था ना भी भाई मैं वो दियो शुरू में ब्लॉग शुरू हो भी पहला पहला ही बताऊँ मैं थाने चार ऑप्शन दे दिया मैं थाने फॉर्चुनर ठीक और बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ओडी चार वो जल्दी नाम लेके बताओ किसी आवा माँ माँ को तो पता को नहीं महंगे गाड़ियाँ हो माँ ले लिया के अब ले के लिए अब तो डिलीवरी नहीं लीजिएगी पीछे भर रख के तो अपनी कचाकच गाड़ी आ रही है अभी चकाचक और बस वेट को नहीं होने लग रहे हो एक्साइटेड हो रही हो उसका शोरूम हिसार में नहीं है शोरूम बाहर है तो बित जाके मैं डिलीवरी लूँ को नहीं वही मुझे यहाँ डिलीवरी देने आएंगे तो मतलब कितनी एक्साइटमेंट हो रही है कद होगी मेरी गाड़ी तेवन गैस करके बताइए ठीक है कि कौन सी गाड़ी आने लग रही है भाई बोलो के और बाद में बात करा मम्मी क्यों कर पड़ी है इरा की पड़ी है और के करा तो पटन कौन दे भाई बंदे डिटेल है सो नींद लिया क्या मैं दूसरे फोन में दे रील देख लूं के देख मैं दूसरे फोन में कोई देख लिया नाटक नोटक है कोई रील देख लिया नाटक टेलीविजन चला ली जानो मैं चल रही हूँ टेलीविजन चला ली टेलीविजन किरपराम है एल सिटी है ओ किरपराम है कौन है किरपराम किरपराम है ए 100 रुपया पड़ गया था रहे के एक कुर्सी कितने कमी रहे बाजू आई है एक कुर्सी कन पड़े हैं मैं दियो को नहीं भी ये को नहीं क्यों लिया है ए थारा है क्या 100 रुपया तो मैं तक लिया अरे 100 कौन 50 है ये मेरे है हैं मेरे ही पड़ गया हाँ अंबे मेरा है मैं है भैया बात कौन सा चनी प्रेम के हम भाई का है पीछे कोई नहीं राम का मेरा दे वही बापो तो ऊपर ही पड़ा हो गया मेरे पीछे दे दी वो सो को तो आत्मा आयो कौन मेरे एकदम मैं 50 को काट लियो सो को तो आत्मा आयो कौन ड्रोर में उन्होंने एकदम 50 को आयो 50 को काट लियो ए ये पड़े कुर्सी का ना है थारा कौन ये है मेरा ए मेरा ए देख मैं सोचे ये लाद के कितने भैया दिखाइए थारा लग सा का पैसा और शानी बहुत है दिखाओ थारे के सा का मैं देखा मैं देख रही दिखाओ तो पा थारा है किसा की ढूंढ कर पड़े बड़की मुंदी जो
पाड़ियो जो गणो खा लियो ब्याली से और आम खाई आम खाई है आज मांस की बात नहीं है मां बस तो मांस फल फ्रूट 70 बार दो दिन का चलन लग गया रखो है कम मांस वो व्रत रख के फल फ्रूट के कम मांस कर गई। ओ पापा थाने ऑडियंस याद कराएगा कृपा राम ने ले गया वो गड्डी में मिलोगे जाम में गाड़ी चलाऊं के क्रूज तो उनने तो आओ थे था ही करा बताऊं मैं थाने कोई बात है के काम है इसो के काम है अनेडली एक नई गाड़ी ले ली बड़े क्यों थारा रिपिया लगे रिपिया ना लगो रिपिया क्यों उजाड़ना है इतना मर्सिडीज मर्सिडीज सैनी बहुत है मर्सिडीज किसी हो मर्सिडीज पापा तो कौन ठग है कवन तो कौन बताओ क्यों बापला ने सरप्राइज दिया रे है बापा की खीर खोल रहे हो के टैक्सी स्टैंड खोल के थी गाड़ी ले रहे के तीन पहले ही हो रही है और ले टैक्सी स्टैंड खोल के बापा के जी करे जदी ले जा भाई किसी तो वो क्रूज बेचन की सोचू भाई मैं देती हूँ क्रूज तो क्रूज एक दोस्त है वो मांगे तो बीत भेज दिया आप हड़ी फसीम चोखो काम आइडो है तो बिन दे दूंगा बिन चाहिए चलान खातर 3-4 महीने बेचूं तो कोनी बेचा तो इनके के बट है महंगी गाड़ी है बट वे चला लेगा फैमिली खातर ही चाहिए वन गाड़ी ऐसे तो बड़ी गाड़ी है बांकन काफ़ी लेकिन बंग खेत खात गई यूज में दिहाड़िया दूड़िया खातर चाहिए सच वही तो मेरे लिए क्रूज में भी दिहाड़िया ढोई है तो माँ बा खेत खात को काम हुआ दूर दिहाड़ी यार लियावे नहीं है यार गाड़ी में जुकर खेत खात रिलेटेड भाई रफ टफ गाड़ी चाहिए बने यूं तो गाड़ी 5-6 खड़ी है बांगे पर खेत खातर एक क्रूज बांक नहीं ही पहला यार बा टूट गई टूट के गई बा एक्सीडेंट हो गई कोई जन ले गयो हाँ दे दे पीछे ले लियो मैं तो कौ हाथ उड़वा दिए मैं कह दियो मेरे 5 लाख लाग दे दियो नाम मेरे तो क्यों गयो ईरा किन्नी कौन दे कच्ची गाड़ी है बांकन जो क्रूज ही नहीं वह तो रफ टफ एन बिल्कुल वह गाड़ी खेत खतर है आ गाड़ी भी नास कौन करे अब इन पसंद है वो टाइम उमंग है वो तो गाइस क्या बोलते हो कमेंट करके बताना क्रूज दे दे बट मैं बिन चलान खातर ही दी है बिन पसंद है बहुत ज़्यादा पसंद है बिन क्रूज गाड़ी और बिन बाइन भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने बोला चलो ले जाओ मैं इतनी गाड़ियों का क्या करूँगी तो थे बताइए गाइस कमेंट करके अगर थे को होगा तो दे देंगे नहीं ऐसे गड़ी तीन तीन गाड़ी खड़ी के काम की बापाली तो माँ खड़ी हो जी और मैं तो वाली लक्की गाड़ी की नहीं कौन दी है माँ अब्बा गाड़ी और आ जाएगी तो आप दो ही रख लेंगे लॉन्ग रूट पर तो बार के क्या करे वरना है नी गांव में लेके चलेंगे मम्मी फिर थोड़ी ठंड हो जाएगी तब तो मार लेते पाओ के मार लक्की गाड़ी में थोड़ी क्या थार लें कुंटी पाओ ये उन कौन बेचे बेटा मैं को बेच दियो के करो इन करे भीड़ कर रखी है बेचे को नहीं क्यों कौन बेचो माँ अच्छा है कौन बेचा मार बाकी गाड़ी है के लेने लक्की गाड़ी हमारी हक की कम खर्चो इनको है जा घर में भैया कोई सो के कोई मोटी गाड़ी चलाने को ना ही वरना चलावे बापू ना करो चलावे के आस चलाऊं
ली जानी बापन इयो नी लड़की हब की करती है। अरे एक लक्की गाड़ी करती है लक्की है और क्या मरो गाड़ी माम रोटी ले आते भूख आ रही है गाड़ी है बच्चा गाड़ी है घर पर क्यों गाड़ियों घर पर क्यों के okay. अब तो ताई यू कही अत्ता गड्डू के सिर में मारी है कोई काम धंधो कर लियो अत्ता क्या करना तेरो कौन लिया गाड़ी पीछे जा चुके है बुकिंग अमाउंट भी लाखों में गई हुई है एक दो लाख की कोनी आन लारी कोई क्रूज अल डाल दाई 3 लाख की आंती हुए लेन कौन दे घरे आई जी बुकिंग अमाउंट पीछा भर रखे है यार कोई 40-50 हज़ार को नहीं कोई बुकिंग अमाउंट का ठीक है अब तो आई जे ठंडा पड़ती किसी आवे थाने भी को नहीं बताऊं बस डिलीवरी मिल जाए डिलीवरी इतनी दे जाएगा माँ बीत कौन जाएगा शोरूम में सार में कोनी है अब बीत एक गाड़ी लेके आप जाऊंगा डिलीवरी लेने ठीक है फिर दूसरी गाड़ी लेके में क्या करे अपन है देगे जाएगा डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कागज कुगज सब मेरा करे डाई है जो फॉर्मेलिटी करनी है कागजा की मैं भी इतनी चक लिया कागज कुगज अब इतनी दूर जूंगी मैं एक गाड़ी लेके ठीक है फिर दूसरी ले आऊंगा वह लेके आऊंगी वह तो क्या करे क्रूज वह तो एवरेज दी 4-5 की यार क्रूज चौकी नाम तो दे अरे वरना फिर दोनों गाड़ी लेनी फायदो वो अपने कोई सारी डिलीवरी दे देंगे जानकारी है थोड़ी यूं दे को नहीं हुए लेकिन अपन दे देगा नहीं अच्छे रिलेशन है अपने अच्छे कनेक्शन है एवरेज करती है बिंग एवरेज 4-5 की कम खर्चा होगे जो 100 किलोमीटर में वरना तो चले 25 किलोमीटर 100 रुपये 100 रुपये बताऊं मैं तन ठीक है अर क्रूज चले 100 रुपये 8 या 10 किलोमीटर मसा अर मार्केट में तो 10 ही किलोमीटर चले 1000 रुपये टोटली 10-15 किलोमीटर हाईवे की एवरेज बताऊं अर जो गाड़ी आप लेन लाग रहे नहीं अभी बिंग एवरेज हाईवे पर भी 5-6 की है मसा कम खावे थे कम कौन खावे ज्यादा खावे ज्यादा खावे जो अगर आप वरना मुकाम जानी लतन समझाऊं तो वरना मुकाम तेल खावे चाहता हूँ ज्यादा 2000 रुपया मसा सी वरना हाँ और क्रूज खाजे 4000 रुपया और बा खाजे 6-7000 रुपया तो फिर क्या तेल को खर्चो लियो था तो सरकार का फायदे करे कम तेल यार अंबर टोर है गड्डी खर्चो अब इतना पीछे लगा के गड्डी लेने लग रही है लोग भड़क तो रही है जाने इतना पीछे घटू लिया है यार कितो गाड़ी आने लग रही है नी ते भड़क रखो कोई दिक्कत ना आई खुलासा कर देंगे किसी दिन है नहीं माँ सारी बात बताने की थोड़ी होया करे नजर लग जे तो बापू आपको 50 नोट लेके ओ कृपा राम है कौन है की करे कृपलो फोन में देखे कोई मारो रोटी लिया दे भूख मरू पटू फिर लेगी पुरानी बा पटू मैं फिर लिया दे चावल ले लूंगा आज माओ से भी मैं चावल बना रखे तो गाइस रोटी जिम लियो क्यों हो गयो कैमरो क्यों हो गयो खाना खा लग गई चावल रोटी सब्जी और दही सलाद घूम गई क्या करी सलाद अल्ली अल्ली भाई कोई कदर नहीं है भाई यहाँ पे हमारी चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं छोटा सा मस्ती वगैरह कुदरती वो व्लॉग बना लियो बैठी बैठी और पापा से अगर प्रैंक कर लियो तो क्यों कर लगे हो और गाड़ी गैस करता रहो थे
और एक बंदा सही गैस कर रहा कि पिछले व्लॉग में जिनको कमेंट में लाइक भी कर रखे है तो पहला भी देख सको। और पापा ने अब तक गाड़ी को पता को नहीं भाई, मैं सरप्राइज देने को सोचा ही माँ पोल खोल दी, बट पापा के जच्चा को नहीं भाई अति महंगी गाड़ी है तू खर्चो कर ले सके, तो वो तो सरप्राइज है, देखते हैं। ये लोग नहीं थे समावत के ना, जुड़े रहो बने रहो, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नून प्रणाम नमस्ते सत श्री अकाल, ज़्यादा होगी बाय।